बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो फिर हमने चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट को गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है कि अ पर्सन थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, यानी एक पर्सन है जो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है। ठीक है, किस स्पीड थ्रो कर रहा है? तो उस जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। इफ द बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड, तो बेसिकली एक बस मूव कर रही थी 25 मीटर पर सेकंड की रिस्पेक्ट से, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल टू ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड, तो हमने वेलोसिटी ऑफ बॉल को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी जो है वो डायग्राम ड्रा कर लूँ तो कैसे कुछ हो जाएगी कि अगर मैं फर्स्ट लाइन को बात करूँ, अब इसमें लिखा हुआ है कि अ पर्सन थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप, मतलब कि एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है स्ट्रेट अप विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, यानी एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो मैं कहता हूँ कि वी ऑफ वाई 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली कोई चीज़ अपवर्ड मूव बोलती है तो उसको हाइट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इफ अ बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली एक बस मूव करी थी ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में मूव करी थी 25 मीटर पर सेकेंड, मीन वी ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस मूव करी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आपने फाइंड कर लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल टू ऑब्जर्व टू ऑन ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कैलकुलेट करें तो वी ऑफ, हमने वी इज इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मला बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मला क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ गया। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वी। ठीक है, और बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या है? वी ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर वी ऑफ वाई का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना था हमारे पास? 25 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल 12 का स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर 625 प्लस 144, बेसिकली इनको ऐड कर देंगे 549 4026 7169 आ गया वी का स्क्वायर। बेसिकली जब इसका टेकिंग का रूल बहुत साइड लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो अब वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन हमें बताना है कि एंगल कितने का बन रहा है, आ जाए 35 45 या 95। तो उसके लिए हम थीटा फाइंड कर लेंगे। तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, मैंने पढ़ा था, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेसिकली अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा जाए, वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाए तो वी ऑफ वाई है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी ऑफ एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स 12 डिवाइड बाई 25 हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। बेसिकली जब हम टेन इनवर्स 12 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो हमारे पास 25.6 डिग्री, मीन राउंड ऑफ करेंगे 26 डिग्री हमारे पास एंगल आ रहा है। बेसिकली थे न्यूमेरिकल नंबर वन, जो कि बहुत ईजी था। उसके बाद हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर टू की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर टू में लिखा हुआ है कि अ फुटबॉल लीव द फुट ऑफ द पंटर एट एंगल ऑफ 54 पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन एंड अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली अब इससे हमारा क्वेश्चन है क्या कि एक पंटर, ये बोलते हैं उस बंदे को जो फुटबॉल को किक कर रहा होता है, तो एक पंटर फुटबॉल को किक कर रहा है, अब जिस एंगल से किक कर रहा है वो 54 डिग्री का। ठीक है, मीन की 54 डिग्री बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के रिस्पेक्ट से। एंड स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। मीन कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमें लिखा हुआ है कि 54 एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ खुद से 54 एक्सिस पे एंगल ड्रा हो रहा है। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो बेसिकली ये आ गया और ये हो गया। मैं कहता हूँ ये हमारे पास वी ऑफ वाई है
ये वी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब 54 डिग्री हमारे पास एंगल गिवन है और पॉइंटर जो किक कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास वी गिवन है, हमने वी एक्स और वी ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं गिवन डाटा की बात करूँ, गिवन की, तो मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल, जिसको मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है, एंगल, एंगल थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड की तरह देखा जाए तो हमारे पास लास्ट टाइम लिखा हुआ डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, वी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट, वी ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सिंपल फॉर्मूले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वी वी ऑफ एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा फॉर हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, वी ऑफ वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया वर्टिकल। तो बेसिकली पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला आता है कि वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। अब हम बेसिकली बताया कि v कितने है 21 मीटर पर सेकेंड, cos थीटा कितने हैं 54 डिग्री, पुट कर लेंगे हमारा वी एफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, अब वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी cos v sin थीटा, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी होती है 21 साइन ऑफ 54 डिग्री, पुट कर लेंगे तो हमारे पास v ऑफ y भी आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली रिलेशन पे करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। तो बेसिकली जब मैं करूंगा cos ऑफ 54 डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो बेसिकली cos ऑफ 54 डिग्री 0.58 आता है, ठीक है। फिर 21 का मल्टीप्लाई करूंगा 12.28 हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर मैं निकाल लेता हूँ वी ऑफ साइन थीटा, तो साइन 54 देख लेते पहले कितना होता है, तो बेसिकली साइन ऑफ 54 हमारे पास होता है बेसिकली 0.8, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।